कसौल में बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि सामने आप लोग देख सकते हो कैसी पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम जो है शाम के 5:30 हो गए हैं और हमारा अचानक से मतलब ऐसे प्लान बन गया कसौल जाने का। पापा ने कहा कसौल जाना है, उनको कुछ काम है तो बस हम लोग अभी कसौल ही जा रहे हैं। तो पापा गए पीछे गाड़ी लेने के लिए, तो पापा का वेट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से कसौल। कसौल पहुंच गया है। बताओ सामने पहाड़ियों में देखो कितना बर्फ पड़ गया है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये रहा कसौल। हम लोग कसौल पहुंच गए, टाइम देखो 6:17 हो गए हैं और हम लोग किसी को छोड़ने आए थे, पापा और मैं। पापा आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अब मुझे भी पापा ले जा रहे हैं अपने साथ। देखते हैं जरा बाहर, जिसको छोड़ने आए थे उसकी थोड़ी सी हालत खराब है क्योंकि चढ़ी हुई थी उनको, तो अभी जाते हैं अंदर। यार मेरे को पता नहीं था इतना मतलब यहाँ पे ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। अब हूँ मैं यहाँ पे देखो बाहर और यहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी वहाँ पे गेट के बाहर। ये सरकारी रेजिडेंस है तो यहीं पे हम लोग छोड़ने आए थे एक अंकल को। बट कसौल में बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि सामने आप लोग देख सकते हो कैसी पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है, खतरनाक वाली बर्फ़ है ये देखो। इसी वजह से ना मतलब ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं। और पापा वहाँ पे खड़े हुए उन अंकल के साथ, अंकल को थोड़ी सी चढ़ चुकी है दारू तो हम अंकल को छोड़ने आए थे। माय गॉड, गाड़ी से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन पापा ने बोला बर्फ देख बाहर आके पहाड़ों पे थोड़ा सा व्यू ले ले, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकल के व्यू ले ले। अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वापसी कुल्लू के लिए हम सिर्फ छोड़ने आए थे उन अंकल को। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड डे है उसी ब्लॉग के साथ। अभी आप लोग इस जगह को पहचान ही सकते हो अगर आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा है तो आज मेरा अगेन ट्रायल है, तो अब देखते हैं कि ट्रायल हमारा हो पाता है ठीक ही नहीं हो पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बाइक्स लगी हुई है बट मेरा नंबर है 4th पे। तो अभी तो लंच टाइम हुआ है, लंच टाइम के बाद फिर कोशिश करेंगे कि आज मतलब हो ही जाए पूरी तरह से ट्रायल हमारा। A few moments later. तो मेरा हो गया बहुत अच्छे से और मैंने मतलब बहुत सही से किया, मेरे को विश्वास नहीं था खुद पे बट यस फाइनली हो गया है। अब इतने से ही रह गया, मेरा तो हो गया बहुत सही से, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा है, हाथ कांप रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा। इस बार इजी था ये। मुझे लगा ये क्या हुआ बीच में, साइकिल वाला भी आ गया था।
अभी मैं घर पे हूँ। लाइसेंस बनने की खुशी में मैंने देवते के पास मनोकामना की थी, तो अपना लाइसेंस भी बन गया। अब जाएंगे नीचे, बैठेंगे थोड़ी देर। तो ये सब कुछ जहरवीर जी की कृपा से है, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो आजकल, है ना, ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। बाकी ये देखो मंदिर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, सुंदर सा। One eternity later. So, अब हूँ मैं घर पे, और आप देख सकते हो मैंने ये गरम साया लगाया हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार, और क्या ही बोलूँ। बाकी अभी टाइम जो है 10:30 हो गया, अब हम डिनर करेंगे, देखते हैं डिनर में क्या बनाए। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, सच में कसम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे मम्मी लूडो खेल रही है मेरे साथ, तो थोड़ी देर लूडो खेलते हैं।